नमस्कार, मैं हूँ स्वाति पारसर और आज बनाएंगे हम दूध और साबूदाने से बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बर्फ़ी है ये। आपको कोई मावा की ज़रूरत नहीं है इसमें और ना ही आपको इसमें अलग से चाशनी बनाना है। थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है। जब भी आपको मंदिर जाना हो, प्रसाद चढ़ाना है अगर, तो आप फटाफट इसे बना सकते हैं। आपका व्रत हो फलारी तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूध और साबूदाने की बर्फ़ी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साबूदाने की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी बर्फ़ी। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है, सिर्फ दूध और साबूदाने से। तो देखिए, आधी कटोरी, मैंने बड़ी कटोरी है ये, इससे लिया है साबूदाना। साबूदाने को अच्छे से पहले कपड़े से पोंछ लीजिए, ऐसे अच्छे से पोंछ लीजिए जिससे इसका जो पाउडर वगैरह हो तो वो सब निकल जाए। थोड़ा सा पानी का छींटा देके भी आप इसे पोंछ सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे देती हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा ऐसा पानी लिया, हल्का सा इसे ऐसे छींटिए और इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। इसे अच्छे से हमने पोंछ लिया है और अब हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। इसे पोंछ के इसे निकाल देंगे कपड़े को, और इसे जो है सबसे पहले हम थोड़ा सा भून लेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी और फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिए और इसे बिल्कुल भून लीजिए। लो फ्लेम में इसे अच्छा थोड़ा सा हल्का सा सुनहरा हो जाए तब तक इसे भूनना है। देखिए, हल्का सा कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। और 10 मिनट पास से दिखाती हूँ, गरम है। 10 मिनट करीब मैंने इसको लो फ्लेम में भूना है। 10 मिनट एकदम लो फ्लेम में भूनिए, तभी बर्फ़ी में टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो इसे निकाल लेते हैं और इसमें दूध डाल देते हैं। अब इसमें डाल देंगे दूध, पहले हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसके बाद इसमें दूध डाल देंगे। आधा लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसे डाल देते हैं इसमें। हाँ, तो देखिए आप, इसमें मैंने ठंडा करने रख दिया था, ये देखिए। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए ना, तब इसको हमें पीसना है एकदम फाइन, जो चटनी वाला जार होता है ना उसमें पीस लीजिए। कढ़ाई हमारी गर्म थी तो मैंने थोड़ा सा एक चम्मच पहले पानी डाल दिया था कढ़ाई में, जिससे दूध एकदम चिपके ना। गरम गरम इसमें कढ़ाई में डालेंगे ना, तो इसे चलाते हुए आपको इस दूध को गाढ़ा करना है थोड़ा सा। ये फुल क्रीम दूध लिया है हमने, तो ज़्यादा इसे हमको गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है बस, आधा हो जाए ये। तो देखिए, साबूदाना को मैंने पीस लिया है, ये देखिए, और साथ में मैंने 3 हरी इलायची थी उसे भी पीस लिया है, छिलके सही थी डाल दिया था। तो ये देखिए, कुछ छिलका जो आपको दिख रहा है, चाहे तो इसे निकाल दीजिए इस तरीके से, ये देखिए। तो इसे निकाल देते हैं, जो दिख रहे हैं उसे निकाल देते हैं, बाकी ये अच्छा फाइन सा पिस गया है। तो देखिए, दूध को उबलते हुए कम से कम 8 मिनट लो फ्लेम में हो गए हैं, 8-10 मिनट करीब हो गए हैं, और दूध काफ़ी कम भी हो गया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे आधी कटोरी करीब शक्कर। जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था ना, उसी कटोरी से आधी कटोरी शक्कर है, इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये जो हमने साबूदाना पीसा था उसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे।
और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अगर इसमें लम्स पड़े तो घबराइए नहीं आप बिल्कुल भी, ऐसे दबाते हुए इसे चलाते रहिए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपको। फ्लेम मैंने लो ही किया है और बस इसे ऐसे चलाते रहिए, इस तरीके से दबाते हुए, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती है, तैयार हो जाती है। अब यहाँ देखिए एक छोटा चम्मच जो है घी डाल रही हूँ मैं, तो यहाँ घी डाल देंगे। और जिस बर्तन में इसको हमें जमाना है, जिस थाली में, उसे हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, ये इसे अच्छे से मैश करते हुए ऐसे मिला लेना है। तो ये देखिए ये हो गया है बैटर हमारा, ये देखिए एकदम कढ़ाई छोड़ने लगेगा, ये देखिए, ये देखिए। तो इसे अब थाली में हम इसे फैला देंगे अच्छे से, ये देखिए एकदम चिपचिपा रहता है और ये बैटर जो है एकदम कढ़ाई में इस तरीके से छोड़ता है। तो इसे थाली में निकाल लेते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। थाली में हमने अच्छे से घी लगा लिया है, ये देखिए, और अब इस बैटर को डाल देते हैं। तो देखिए थाली में मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है ये, और अब इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसे काटेंगे। जब तक हम ये जो मैंने 3-4 बादाम थे इसे काट लिया है, 3-4 पिस्ता थे इसे मैंने बारीक पतला पतला काट लिया है। तो इसे हम अच्छे से इसमें फैला देते हैं, गार्निश कर देते हैं। तो इसे ठंडा कर देते हैं, उसके बाद इसे काटेंगे हम। अच्छे से सेट कर देंगे, थोड़ा सा इसको दबा देंगे जिससे ड्राई फ्रूट जो है सेट हो जाए इसमें। ये घी का चम्मच है, उसी से मैं इसको सेट कर रही हूँ जिससे मैंने घी डाला था। और इसे हम ठंडा होने देते हैं। उसे रख देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए बर्फ़ी हमारी अच्छे से जम गई है, सेट हो गई है। 2 घंटे करीब हो गए हैं, वैसे तो 1 घंटे में ही सेट हो गई थी। और इसे अब काट लेते हैं। ये एकदम आटे और बेसन जैसी नहीं जमती है, थोड़ी सी क्या है साबूदाना है तो ऐसे रबड़ टाइप से रहती है ना, वैसे रहती है, इसलिए खाने में बहुत टेस्टी रहती है। और ये तो इसे अच्छे से काट लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।